साउथ के मेगास्टार रजनीकांत का जादू एक बार फिर फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक्टर की नई फिल्म जेलर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक्टर फिर से पुलिस वाले के रोल में छा जाने को तैयार हैं। वहीं जनता उनके अंदाज की दीवानी हुई जा रही है। फिल्म में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन है, इस जोड़ी को भी खूब प्यार मिल रहा है। अब जिस फिल्म में रजनीकांत हो वहां स्पॉटलाइट उनके अलावा किसी और पर तो पड़ ही नहीं सकता है। धमाकेदार डायलॉग और धुआंधार एक्शन से लबरेज जेलर का ट्रेलर हर किसी को पसंद आ रहा है। जेलर की कहानी घूमती है रजनीकांत यानी जेलर बने मुटुवेल पांड्यन के इर्द गिर्द, जिनकी जेल से एक खतरनाक गिरोह अपने सरगना को आज़ाद कराने के फिराक में है। लेकिन मुटुवेल एक सख्त पुलिस वाला है जो अपने काम के लिए बेहद ईमानदार है। वहीं वो अपने घर पर एक शांत किस्म का इंसान है। उसके दूसरे खतरनाक वाले अंदाज के बारे में पत्नी को अंदाजा नहीं है। वो अपने बेटे के लिए एक नर्म दिल पिता है। वहीं जैकी श्रॉफ भी विलन के रूप में दमदार लगे हैं, लेकिन उसे रजनीकांत के असली रूप के बारे में पूरी जानकारी है। अब वो कैसे इस जानकारी का फायदा उठाकर उसे मजबूर करता है और कैसे मुथुवेल यानी रजनी उसे धूल चटाता है, देखना दिलचस्प होगा। ट्रेलर में तो सख्त जेलर के किरदार में रजनीकांत जान डालते नजर आ रहे हैं। फैंस उनके स्टाइल के कायल हुए जा रहे हैं। जेलर को पहले टालाइवर 169 का नाम दिया गया था, जिसे मेकर्स ने बाद में बदल दिया। ये फैसला मेकर्स ने रजनीकांत को ट्रिब्यूट देते हुए लिया था, क्योंकि रजनीकांत के करियर की ये 169वीं फिल्म होगी। हालांकि इस डिसीजन में बदलाव क्यों किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया। हालांकि फिल्म का नाम जेलर रखने पर भी विवाद छिड़ा था। मलयालम फिल्म डायरेक्टर सकीर मडाथील ने क्लेम किया था कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए ये जेलर टाइटल केरला फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर किया था, लेकिन बाद में ये मामला रफा दफा हो गया। 10 अगस्त को रिलीज होने वाली जेलर फिल्म में रजनीकांत की पत्नी का रोल निभाया है राम्या कृष्णन ने। फिल्म में जैकी श्रॉफ, तमन्ना भाटिया, शिव राजकुमार, सुनील, योगी बाबू जैसे कई कलाकारों की पूरी फौज है। तमन्ना भाटिया का आइटम नंबर कावाला अभी से फैंस के बीच हिट हो गया है। वहीं फिल्म में एक्स्ट्रा तड़का डालते हुए मेकर्स ने मोहनलाल का कैमियो शामिल किया है।